भाई ये जवान घास की भरी लेके आ रहा है माशाल्लाह सुभानअल्लाह भाई, गिरानी नहीं है ख्याल से? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी जवान देखना अभी कैसे भरी रख रहा है मोटरसाइकिल पे। भाई गिरानी नहीं है भरी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। उर्स भाई क्या हाल है? भाई खुश हो भाई? घास की भरी गिरानी नहीं है, ख्याल चला जानी है। पीछे विष्णु भाई भी घास लेके आ रहा है भाई, ये बहुत मुश्किल काम है भाई के लिए। दुआ करो ये घास गिराए ना किधर। दुआ करना ये भरी उर्स भाई जो इन घर टाइम से ले जाए, आज घास भी कम काटा है इसलिए। अभी इसको पीछे से रस्सा बता बांधो ना, भारी रखी सही नहीं है, गिर जाएगी। आस्ता आस्ता भाई मोटरसाइकिल होगा के टोर स्टार्ट कर, गाड़ी आगे टोर देखते चलती है सही क्या मसला है। उर्स भाई जा रहा है भरी लेके, दुआ करो ये घर खेर खेर से पहुंच जाए। खुश हो? हाँ। भाई किस टाइम घास काटने आयो? अभी आयो? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना घास काटना काटा हुआ? एक भरी भी नहीं काटी। मेरा ही थोड़ा मुकला है। जुगाड़ किया बस। अच्छा सही है सही है सही है। भाई कितने डंगरू रखे हैं? बड़े हैं वो, बता 15-20। हाँ 15-20 हैं बकरियां। हाँ एक मंजे, एक भैंस है। एक भैंस रखी है? हाँ हाँ। और बकरियां? बकरियां 15-20 हैं नहीं। अच्छा उनके लिए घास ज्यादा चाहिए, बकरियों के लिए घास काटना है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, भाई सवेले से आया ये घास काटने अपने डंगरों के लिए। हाँ। और अभी तक घास काट रहा है। और भाई कैसा वक्त जा रहा है मामदीन भाई? शुक्र है भाई, ये गांव की जिंदगी के बारे में, ये बंदे क्या काम करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मेरे गांव, ये मेरा भाई है, घास काट रहा है अपने बकरियों के लिए, भैंस के लिए, सवेल का निकला हुआ है। इसकी यही रूटीन है, अपना थवेले उड़ता है, अपने डंगरों के लिए चारा करने आता है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वो पल्ली साइड में मोर भी मेरे हैं, वो भी उधर चुग रहे हैं। वो ये देखो, आपको नज़दीक थोड़ा कैमरा दिखाता हूँ, ये देखो मोर, मोर पक्षी खड़े हैं। वो दरख्त का, दरख्त के ऊपर भी बैठा है, देख ये थोड़ी जूम करता हूँ, ये देखो मोर पक्षी, एक ये खड़ा है और दो वो खड़े हैं, तीसरा वो दरख्त के पहाड़ में खड़ा है। तो ये भाई घास काट रहा है।